बनता है, मावा तब बनता है जब इस दूध का पूरा पानी हम जो है ना वेपराइज कर देते हैं, वाष्प कर देते हैं। यानी कि इस मावे में घी तो होना, चिकनाई तो होनी चाहिए। तो हम इसी से टेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप मलाई लेते हैं तो मलाई में अगर हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ क्या होते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपने मावा लिया है और मावा लेने के बाद आप इसको हाथ पे रगड़िए ऐसे करके, अगर आपके हाथ चिकने होते हैं जी इसका मतलब है मावा शुद्ध है, अगर नहीं होते हैं तो सरसों के तेल में भी मिलावट खूब होती है, इसे कैसे पहचाना जाए, आइए ये भी जानते हैं। इसका सबसे आसान टेस्ट है, आप 4 बूंद इसमें नींबू की डालिए। अब इसमें कैसे पता लग पाएगा आप ये जो, इसमें आप 2-4 बूंद डालिए। क्या आप ये ट्रांसपेरेंट रहा, नहीं तो बिल्कुल डार्क हो गया। ये तो गाढ़ा भी हो गया, हाँ ये देखिए गाढ़ा भी हो गया, ये देखिएगा है ना खुशबू अभी, है ना, हाँ ये आर्टिफिशियली खुशबू स्मेल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दूध और हल्दी में भी नींबू की 2-3 बूंदें डालकर शुद्धता और मिलावट की पहचान की जा सकती है। अगर दूध फट गया तो वो असली है, नहीं तो उसमें मिलावट है। इसके अलावा अगर हल्दी ने अपना रंग छोड़ा तो वो भी नकली है। जो हल्दी है उसका प्योरिटी देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपके घर में अगर स्प्रिट है, अगर स्प्रिट नहीं है तो नेल पॉलिश रिमूवर हर घर में होगा। अच्छा, इनसे हो जाता है? हाँ, क्योंकि होता क्या है कि हल्दी जो है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये सब क्या है, एसीटोन हुआ है ना, अल्कोहल हुआ, आपका एल्डिहाइड हुआ, ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें डालें तो इसमें इसका रंग नहीं छूटना चाहिए। अगर रंग इसका छूटता है इसका मतलब है कि इसमें मिलावट है। तो इसमें मैं स्प्रिट डालता हूँ, आप भी देखिए सॉल्यूशन बन गया, इसमें कलर की मिलावट है। ये सब घरेलू उपाय हैं। इस बीच सरकार भी मिलावट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। सैंपलिंग के बाद है, अभी तक हमारे द्वारा जो है लगभग 42 सैंपल हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है इसी अभियान में जाने। और ये अभियान क्योंकि हमारा कंटिन्यू, इससे पहले हमारा नवरात्र का अभियान था और घी का विशेष अभियान था, तो वहाँ से यदि टोटल लगाएंगे तो लगभग हमसे 120 के आसपास सैंपल हम लोगों ने जाँच के। हालांकि सैंपल की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आने में करीब 2 हफ्ते का वक्त लग जाता है और तब तक त्योहार निकल जाता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें कैसे मिलावट है, आप नींबू से मिलावट पता कर सकते हैं, आप ये स्प्रिट से पता लग सकते हैं, नेल रिमूवर से, पानी से रिमूवर, ये सारी चीजें जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कैसे मिलावट है। लेकिन बहरहाल त्योहारी सीजन में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है खाने पीने की चीज़ों में, और अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि पुलिस या फिर इसके अलावा फूड सेफ्टी लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो जो मिलावट का बाजार है वो फल फूल रहा है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।